हाय हेलो नमस्ते, सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके ट्रेड। दिस इज प्रदीप एंड आज का वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट, वो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब प्राइस एक्शन क्या चल रहे हैं और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहेगा। मगर थोड़ा बहुत मार्केट पीक लेवल पे होने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट एक साइडवाइज मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा मूवमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेशन होना जरूरी है एंड थोड़ा बहुत साइडवाइज होने का भी जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए मार्केट लास्ट वीक में क्या किया था, इतना बड़ा गिरावट होने के बाद भी फिर भी मार्केट नीचे लेवल से बाइंग लिया, ऑलमोस्ट में गया 2000-3000 तक निफ्टी में गिरावट हुआ एंड बैंक निफ्टी में तो 4000 तक गिरावट हुआ था एंड सेंसेक्स में तो आप देख सकते हैं सेम सिमिलर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिफ्टी एंड इतना अच्छा चांस मिला था। मतलब कितना लोग वेट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस मिला एंड वो लोगों ने जैसे स्टॉक्स नीचे गिरा था उसके हिसाब से वो लोगों ने पैसे लगाया था एंड अभी भी वो चांस है वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड थोड़ा बहुत मार्केट जितना इंडेक्स में हम देख रहे हैं ना उतना स्टॉक में अभी तक रिवर्स नहीं किया, थोड़े बहुत स्टॉक क्वालिटी स्टॉक्स तो रिवर्स किया है, मगर अभी भी फिलहाल चांस है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोअर लेवल पे बाइंग करने का वो चांस दिया है आपको मार्केट बाइंग करने के लिए एंड उसको ठीक तरीके से यूज कीजिए एंड आपको जितना होता है उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए। 500 से स्टार्ट कर सकते हैं या 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं या हर महीने 500 रुपये आपका अच्छा स्टॉक्स देके क्वालिटी स्टॉक्स देके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वीक में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या मार्केट में कैसा मूवमेंट रहेगा इसके बारे में इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन में हम कैसे एक ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ एंट्री और एग्जिट होगा एंड कहाँ तक मार्केट अभी भी जा सकते हैं, ओके इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू वीडियो एंड अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दी बेल आइकन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी फिफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया, अभी मंथली चार्ट में देखिए मार्केट जितना नीचे आया था 21,297 तक उतना ही मार्केट वापस रिवर्स ले लिया, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 23,290-23,000 आसपास में क्लोजिंग ले, इसका मतलब ऑलमोस्ट ओके 2000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लास्ट वीक में मूवमेंट किया था जितना मार्केट गिरा था, गिरते वक्त भी पैसे बनाए और ऊपर जाते वक्त भी पैसे बनाए लोगों ने। ओके, अभी भी फिलहाल चांस है मगर कहाँ हमको चांस है, एंट्री कहाँ करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए मंथली में तो एक ऑलमोस्ट एक वीक, मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा वीक बनाया और जितना बॉडी देख सकते हैं आप। ओके, एंड उतना नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट रिवर्स हो चुका है एंड मार्केट में बुलिश है मगर डिप में बाइंग करना जरूरी है, पीक लेवल पर बाइंग करने से कुछ फायदा नहीं है। ओके, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अभी इसमें तो हमको एक बुलिश लग रहा है मंथली में एंड अभी वीकली में देखा तो वीकली में भी देखिए वीकली में भी सेम है सिमिलर टू हम मंथली में देख रहे हैं, वीकली में भी सेम सिमिलर एक हैमर कैंडल बना है, ऑलमोस्ट एक पूरा देखा तो पूरा वीक ही दिखाई दे रहे, जितना बॉडी उतना दिखाई नहीं दे रहे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल्स देख सकते हैं अपन, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही क्लोजिंग लिया है मार्केट ने एंड अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, वीकली में तो हमको बुलिश है अभी भी एंड डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बुलिश है एंड इसमें भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितना गिरा था ऑलमोस्ट अब डेली टाइम फ्रेम में देखा तो एंड उतना मार्केट रिवर्स ले लिया ऑलमोस्ट 3 दिन में, मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा गिरावट हुआ था मगर 3 दिन में उसका पूरा रिकवरी कर लिया मार्केट एंड प्रीवियस मतलब ऑलमोस्ट वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का फॉल स्टार्ट हुआ था जैसे 23,176 से स्टार्ट हुआ था फॉल एंड ऑलमोस्ट उसके ऊपर मार्केट ले जाके क्लोजिंग लिया ऑलमोस्ट 23,300 आसपास में क्लोजिंग ली। ओके, अभी हम मंडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, वीकली में बुलिश है एंड मंथली में भी बुलिश है, मतलब ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल पे एक हैमर कैंडल बनाते हैं, वो हैमर कैंडल बनाया है मार्केट ने एंड ऊपर लेवल पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी भी मार्केट में बुलिश है इंटैक्ट है मगर नीचे लेवल से कितना लोग मंथली कॉल्स लेके बैठे हैं ना, ऑलमोस्ट ओ लोगों का कॉल्स है ना ऑलमोस्ट उस टाइम पे मिल रहा था हमको, मैंने ही इन्वेस्टमेंट किया था, 21,000 का कॉल लिया था मैंने एंड वो भी एग्जैक्टली 920 रुपीज को लिया था मैंने, अभी वो 2000 मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2000 तक रीच हो चुका है एंड ऑलमोस्ट मैंने स्टार्टिंग में उस दिन ही हुआ था वो 1,500 तक रीच हुआ था, उसके बाद में अभी 2,000 रीच हो चुका है एंड वो प्रीमियम ऑलमोस्ट अब 1,000 पॉइंट का हम एक प्रॉफिट में है एंड अभी भी इसमें भी देख सकते हैं अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चांस है आपको, मगर थोड़ा गिरावट के लिए हमको वेट करना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस का रिजेक्शन को आ चुका है 23,337, एक प्रीवियस का रिजेक्शन है, मार्केट इधर से रिवर्स मतलब फॉल हुआ था, अभी भी वापस मैंने वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
और फिर से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते 23,330 पे। ओके, जैसे 23,330 या 400 जैसे ब्रेक करता है उसके ऊपर क्लोजिंग लेता है ना, तब भी हमको विश्वास लगेगा 23,600, 23,800 या मे बी 24,000 तक भी जा सकते हैं। मगर जब तक 23,330 ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए वो डाउटफुल है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिन के लिए वो मार्केट साइडवाइज करेगा। ओके, क्योंकि अभी ऑलरेडी देखिए इतना पीक लेवल ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पुल बैक दे दिया मार्केट ने, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन एरिया पे आने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट इधर स्ट्रगल कर सकते हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 23,000 एंड 23,500 इन बिटवीन मार्केट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, उसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, मगर डेली टाइम फ्रेम तो लग रहे मेरे को उतना तक हम वापस आ सकते हैं, 23,000 वापस आ सकते हैं, वापस उधर से एक पुल बैक मिल सकते हैं हमको 23,000 पे। मगर अभी फिलहाल के लिए हाई में होने की वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,300 400 आसपास में। ओके, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इतना पुल बैक दिया ना एक्जैक्टली, देख सकते हैं एक्जैक्टली 21,400 आसपास में एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली पुल बैक दिया, कहीं भी इतना बड़ा गिरावट नहीं हुआ। ओके, मतलब कहीं भी साइडवाइज मार्केट मूवमेंट बनाया नहीं, मार्केट ने थोड़ा बहुत इधर वापस पुल बैक दिया था, वापस डिप होकर वापस पुल बैक दिया था, मगर अभी भी मार्केट में एक डाउन साइड में देखने के लिए मिलता है। मे बी यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,000 या 22,800 या 850-900 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट गिरावट कर सकते हैं इधर से, क्योंकि प्रीवियस का हाई है। ओके, ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन हो चुका है एंड तीसरा बार भी वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम, एंड इधर से थोड़ा बहुत डाउन साइड पे आया तो भी मार्केट एक बाइंग पोजिशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वापस अब 23,000 22,900 950-800 यहाँ आया तो आप एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली मार्केट मूवमेंट करने की वजह से थोड़ा बहुत एक पुल बैक देख सकते हैं। वापस मार्केट वापस आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके साइडवेज बना के वापस एक मूवमेंट कर सकते हैं अपर लेवल पे। अभी वापस मार्केट को इतना बड़ा मूवमेंट करने के लिए थोड़ा बूस्ट चाहिए उसको। ओके, थोड़ा पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल के लिए वो थोड़ा बहुत इधर साइडवेज करेगा, मतलब लोगों को बुलाएगा बाइंग कीजिए। ओके, एंड ए जोन पे जब मिलता है 23,000 पे, वो 23,000 पे एक वापस इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और वापस मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं 23,400 या 600-800 तक भी मूवमेंट करेगा। ओके, फिलहाल वेट करना जरूरी है हमको वापस लोअर लेवल पे बाइंग करने के लिए। ओके, अभी सपोर्ट और एंड रेजेंस कहाँ कहाँ आता है। ओके, अभी देखिए सपोर्ट एंड रेजेंस ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट है रेजेंस आता है 23,342। ओके, एंड नेक्स्ट आता है सपोर्ट लेवल पे आए तो 22,910। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, एंड इसके ऊपर और एक आता है सपोर्ट लेवल एंड ए आता है ओके 23,116। ओके, एंड 23,100 बोल सकते हो आप, एग्जैक्टली ये एक सपोर्ट है एंड 23,910 ये दो एक सपोर्ट रहेगा। जब 22,900 के नीचे आता है ना तब एक बड़ा वापस आप डाउन ट्रेंड पे देखने के लिए मिलता है, वो भी 23,630 तक भी हो सकते हैं। ओके, एंड इफ सपोज मार्केट में 23,300 ब्रेक किया तो फिर 23,500 का एक साइकोलॉजी लेवल रहेगा हमको, यहाँ तक हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,500 तक। और एक हाई देखने के देखना चाहिए तो इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने जस्ट वो ड्रॉ कर देता हूँ एंड ईजिली हमको हाई पता चलता है, मतलब कहाँ तक मार्केट एक जा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देख सकते हैं ऑलरेडी मार्केट रेस्पेक्ट कर चुका ट्रेंड लाइन को। ओके, एंड हमको ट्रेंड लाइन फर्स्ट टेस्ट था एंड सेकंड टेस्ट था एंड तीसरा टेस्ट ब्रेक हुआ था मगर वो सस्टेन हुआ, उधर से फॉल किया था। ओके, फिर भी फिर से उधर आके ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहे, इसका मतलब थोड़ा बहुत हम इधर रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, माइट भी ये ब्रेक किया तो 43,500 तक डायरेक्टली जा सकते हैं, या इफ सपोज इधर से रिजेक्शन हुआ तो थोड़ा बहुत इधर आके टाइम स्पेंड करके बाद में वापस मार्केट ऊपर लेवल पे ब्रेक दे सकते हैं, मगर हमको वेट करना जरूरी है लोअर लेवल पे बाइंग करने के लिए। इफ सपोज यहाँ 23,960 या 100 आसपास में मिला तो एक बाइंग बन सकते हैं, इफ सपोज ए लेवल भी ब्रेक किया तो फिर यहाँ हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 22,900 आसपास में, यहाँ एक बाइंग हो सकते हैं मार्केट में। इफ सपोज यहाँ भी क्योंकि ऑलरेडी है ना यहाँ तक आ सकते हैं, मे बी 22,800 या 900 एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज कर सकते हैं 23,300 और 23,000 के बिटवीन। ओके, एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए एक निफ्टी निफ्टी में रहता है एंड अभी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। ओके गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी मंथली चार्ट ओपन किया, अभी लास्ट वीक में मैंने आपको एक बात
बताया था मैंने मंथली चार्ट, उस दिन उस टाइम पे भी मैंने मंथली चार्ट एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मंथ एंड होने की वजह से तो मंथली चार्ट एनालिसिस करना जरूरी था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, ओके, मैंने इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था एग्जैक्टली, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था मैंने, एंड उसके बाद में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। आप देख जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो यूट्यूब में पोस्ट किया था मैंने। उस टाइम पे मैंने ये ड्रॉ किया था ना, उस टाइम पे आपको बताया था मैंने मार्केट जैसे जैसे मार्केट ऊपर लेवल पे मूवमेंट कर रहा है उतना छोटा बनाते जा रहे हैं, मतलब कितना हाई करता है उतना फॉल हो रहा है मार्केट में, मैंने वो कंपैरिजन करके आपको बताया था। ओके, जैसे जैसे हाई करता वैसे वैसे मार्केट एक सेलिंग भी आ रहा था, कंटिन्यूसली एक शार्प 3 लेवल पे जा रहा था मार्केट, कितना इधर वाइड एंगल पे मूवमेंट हो किया था बॉटम साइड पे, उतना 3 लेवल पे मार्केट हाई करते जा रहे हैं, मतलब मार्केट में सेलिंग आना आने का था करके मैंने बताया था। ओके, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे रेस्पेक्ट करता ना, उस टाइम पे सेलिंग हो सकते हैं मार्केट में, हम इधर से एक सेलिंग कर सकते हैं वापस आके, हम ये ट्रेंड लाइन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्पेक्ट करके, वापस एक पुल बैक मिले देखने के लिए मिलते हैं, इसको ब्रेक करके इसके नीचे है तो फिर एक बड़ा बॉल देखने के लिए मिलता है अप टू 40,000 तक हो सकते करके मैंने आपको बताया था। ओके, मगर मार्केट ने कितना अच्छे से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया, मार्केट उधर से पुल बैक दिए, एक सपोर्ट लेवल पे देखा तो इधर 200 EMA आता है, 200 EMA मंथली में नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA आता है, इसकी वजह से मार्केट एक पुल बैक देता है अपर लेवल पे। ओके, अभी भी फिलहाल हमको गारंटी नहीं है मार्केट यहाँ से एक पुल बैक अपर लेवल पे देते हैं वापस तो मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना इतना शार्प मूवमेंट करते जा गया है ना ऊपर लेवल पे, मतलब लास्ट ट्रेड सेक्शन में लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जैसे इधर देखा तो हमको ब्रेक करना जरूरी है, वो मे हो सकता है 50,000 या 51,000 to 52,000 के ऊपर, तब तक सस्टेन नहीं करता ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक के लिए मार्केट में एक गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि थोड़े बहुत दिन के लिए मार्केट इधर साइडवेज करके ऊपर लेवल पे ब्रेक देख सकते हैं या वापस हमको डाउन ट्रेंड में भी ब्रेक दे सकते, मगर वो कंफर्मेशन नहीं है, मगर मंथली में तो वही लग रहे, मगर अभी भी हम इसमें देख रहे ना निफ्टी फिफ्टी में देख रहे ना कितना शार्प मूवमेंट अपर लेवल पे हुआ था रिवर्स पे, मगर बैंक निफ्टी में देख सकते हैं इधर एक बॉडी देखने के लिए मिल रही है, मगर ये बॉडी निफ्टी में भी देखने के लिए नहीं मिल रही, इतना बैंक निफ्टी में रिवर्स किया ना उससे ज्यादा निफ्टी फिफ्टी में रिवर्स किया मार्केट ने। ओके, अभी मंथली में तो मेरे को एक इधर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, अभी हम वीकली में गए तो वीकली में देख सकते हैं सेम मंथली में कैंडल बना है ना, सेम कैंडल वीकली में हमको देखने को मिल रहा है, अभी मंथली वीकली में तो ऑलमोस्ट अब देख सकते हैं क्लोजिंग लिया था 49,800 आसपास में, मतलब मार्केट में कितना लो किया था ना इस वीक में, मतलब प्रीवियस वीक में कितना लो किया था ऑलमोस्ट उसका 50% ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग है, इसका मतलब मार्केट में एक बुलिश है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हम इसका 50% है ना यहाँ तक आके वापस एक रीटेस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, रीटेस्ट हुआ तो वापस हमको वापस एक बाइंग पोजिशन बनाने के लिए चांस मिलता है लोअर लेवल पे। ओके, फिलहाल के लिए मार्केट ऊपर लेवल पे है एंड एक सपोर्ट लेवल पे मतलब सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग लिया, मतलब पहले तो एक रेजिस्टेंस था एंड अभी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर गया, मतलब वो सपोर्ट बन चुका है। ओके, उसके ऊपर क्लोजिंग लिया 48,524 का। ओके, अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम में भी सेम आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन वही कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड इसमें आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना। ओके, ये ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट है 48,500 का। ओके, एंड इसके ऊपर कितना बार ब्रेक किया ना उतना बार वो रिजेक्शन हुआ है। ओके, फर्स्ट रिजेक्शन था ब्रेक हुआ था सस्टेन हुआ और सेकंड बार भी ब्रेक किया मगर हायर है किया रिजेक्शन हुआ और तीसरा बार भी ब्रेक किया रिजेक्शन हुआ एंड इधर एक सपोर्ट लेके वापस पुल बैक देता वापस डाउन ट्रेंड पे आया था, मगर वापस आके मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग लिया एंड आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट में एक सस्टेन मतलब ऑलमोस्ट सस्टेन कर चुके 48,500 के ऊपर, मतलब सस्टेनेबल है मार्केट में, और एक बार हमको चांस मिलता है ना 48,500 या 49,000 के आसपास में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए या रिलेटेड स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंक रिलेटेड में, मगर मार्केट में तो एक बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में लग रहा है मेरे को, मगर मेजर इसमें सपोर्ट है 48,500 का। ओके, जब तक इसके ऊपर है तब तक के लिए मार्केट एक सस्टेनेबल है एंड कितना बार वो 48,500 आसपास में मिलता है ना उधर बाइंग कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं 3-4 बार ब्रेकआउट देने के बाद वापस आके उसके ऊपर क्लोजिंग लिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, इसका मतलब हमको विश्वास है इसके नीचे नहीं आ सकता 48,500 पे एंड इसके ऊपर सस्टेन करके वापस मार्केट एक पुल बैक अपर लेवल पे वापस जा सकते हैं 52,000 तक भी पॉसिबिलिटी है, मगर वापस एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर सकते हैं जाके मार्केट है, मगर अभी फिलहाल के लिए एक मेजर रीजन है इसको 50,000 का, 50,000 एक मेजर रीजन रहेगा जब
इफ सपोज इसके ऊपर ब्रेक किया तो फिर 51,000 भी पॉसिबिलिटी है। इफ सपोज उधर से रिजेक्शन होता है ना, फिर हमको 49,000 तक भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक आके वापस एक रिवर्स करके वापस पुल बैक अपर लेवल पे देख सकते हैं। ओके, मगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे हम मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने अभी, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कितना, मतलब ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई को कंपेरिजन किया। तो मैंने इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड ये फर्स्ट हाई था, ये हायर लो था। ओके, उसको मैंने जस्ट ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट टेस्ट इधर किया था, सेकंड टेस्ट इधर किया था, एंड थर्ड टेस्ट। ओके, थर्ड टेस्ट में मार्केट एक रेस्पेक्ट करके वापस आया था, वापस उसके ऊपर ब्रेक देख के क्लोजिंग ले। एंड मार्केट में और एक बार हमको चांस मिलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, एक अपर लेवल पे मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, एंड एक ब्रेकआउट देने के बाद एक रीटेस्ट के लिए वापस आ सकते हैं। ओके, रीटेस्ट देख के वापस एक पुल बैक अपर लेवल पे देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग पोजीशन हम बना सकते हैं लोअर लेवल पे। ओके, एग्जैक्टली ये लेवल आते हैं 49,495। ओके, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं हम, एंड जस्ट मैंने वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एंड 49,582, एंड और एक सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है नीचे लेवल पे, वो आता है 49,000 का। ये बहुत एक 500 पॉइंट का एक में सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। एंड नीचे लेवल पे सपोर्ट आता है ना 48,500 का, मतलब ये एक 500 पॉइंट का एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। एंड ऊपर लेवल पे हम रेजिस्टेंस देखा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है हमको यहाँ से। ओके, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला ऑलरेडी हाई कर चुका है, एंड इस एक जोन बन चुका है। ओके, 49,954 एंड 50,100। ओके, एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, एंड ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होना जरूरी है। ओके, एंड ये जब ब्रेक करता है ना, एंड ऊपर लेवल पे एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं मार्केट में, 51,000 तक भी वापस हमको देखने के लिए मिलता है। मगर फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं, एंड 50,000 एंड 49,500 बिटवीन मार्केट एक मूवमेंट कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट बना सकते हैं, थोड़ा बहुत साइडवेज करके वापस एक अपर लेवल पे पुल बैक देख सकते हैं। आप ट्रेड करना चाहे तो ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखिए, एंड 15 मिनट में जो होता है ना, 15 मिनट या 5 मिनट में आपका ट्रेडिंग होना चाहिए, एंड 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, वो आपका एनालिसिस होना चाहिए। ओके, एंड फिलहाल के लिए 51,000 ब्रेक किया तो हम वापस एक मार्केट में अपर लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड फर्स्ट आता है 50,000 का, 50,680 का, एंड उसके बाद में सेकेंड आता है हाई 51,000 का। ओके, ये जब 51,000 ब्रेक करता है ना, फिर 52,000 भी पॉसिबिलिटी यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। ओके, फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकते हैं मंडे के लिए, मगर आप लोअर लेवल पे बाइंग कीजिए एंड अपर लेवल पे सेलिंग कीजिए। ओके, एंड ए लेवल से होते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी चार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन लगा, और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट अस। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.